Mark Rich, the guy who revolutionized the trade of oil in the world markets. The greatest commodity trader of all times. Rich baki employees ki tarah nahi the. He was sharp and an extremely ambitious person. And Rich was a person who spotted trends faster than anybody ever could. A 19-year-old, only a few months into the business, now became a star in Philip Brothers. Rich walked into a law office to register a new company. This time, his own, Mark Rich Plus Company. They became one of the 10 most profitable companies in the United States. और फिर एक रात को कुछ 2 AM के अराउंड रिच को एक कॉल आया. Half asleep, Rich answered the call. Mr. Rich, it's Hugh Hart. It's a small matter of life and death, said the other end. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. और आज के एपिसोड में हम द बिजनेस टाइकून, द गॉडफादर ऑफ ऑयल, द वन एंड ओनली मार्क रिच की स्टोरी को थोड़ा और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑयल की मास्टरी के बाद रिच वेंट ऑन टू डोमिनेट अनदर कमोडिटी एंड इन द प्रोसेस कॉन्कर्ड अ लेसर नोन बट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंट्री जिसका नाम है जमैका. दिस इज द स्टोरी ऑफ मार्क रिच. The most successful and controversial trader of his time. He did business with any and every dictator you can think of. He was an extraordinary guy. He had an instinct for risk. To this day, the name Mark Rich is associated with a scandal that took place in the 70s. After being charged with tax evasion and running illegal oil deals with Iran, Mark Rich now found himself on the FBI's 10 most wanted list and had to seek asylum in Switzerland. I'd say Mark Rich always lived on the edge. अर्ली 1980s में एक फ्राइडे इवनिंग को जमैका के कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये पता चलता है दैट दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, दैट इज द कंट्री इज गोइंग बैंकरप्ट. बाय 6 PM दिस न्यूज रीच्ड ह्यूग हार्ट जो कि इस कंट्री के एनर्जी मिनिस्टर थे. हर मंथ जमैका अपनी कंट्री के लिए 300,000 बैरल्स ऑफ ऑयल बाय करता था जिसके लिए उसके सेंट्रल बैंक को $10 million पे करने पड़ते थे. पर इस मंथ उनके पास $10 million तो क्या $10 भी नहीं थे. दिस मेंट कि इस मंथ देयर वुड बी नो ऑयल इन जमैका एंड विदाउट ऑयल द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री वुड कम टू अ स्टैंडस्टिल. इस क्राइसिस सिचुएशन में जहां जमैका की पूरी कंट्री पैनिक कर रही थी, हार्ट न्यू हु टू कॉल. The only man who could save the country from ruin, Mark Rich. This was the moment when Hugh Hart made the call to Mark Rich. और उनकी call disconnect करने के कुछ hours बाद ही a tanker full of oil was on its way to Jamaica. In less than 24 hours, Jamaica को 300,000 barrels of oil deliver कर दिए गए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि जब जमैका के पास देने को $10 भी नहीं थे तो उन्होंने ये ऑयल खरीदा कैसे. एक्चुअली उन्होंने ये ऑयल बाय नहीं बोरो किया था. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज रिच ने उन्हें ये ऑयल शिपमेंट बिना किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे डिलीवर किया. वो रीपे कैसे करेंगे या कब करेंगे इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ. दिस वॉज मार्क रिच एंड दिस ट्रेड अलोन स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट हिज ह्यूमंगस पावर. रिच का ट्रेडमार्क ये था कि वो किसी ऐसी जगह पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करते थे जहां कोई और देखना भी नहीं चाहता और जमैका इसका एक प्राइम एग्जांपल था. वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जमैका कोई बहुत बड़ी या इन्फ्लुएंशियल कंट्री नहीं है. इनफैक्ट ये सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कैरेबियन सी में लोकेटेड है. और उस मोमेंट में जहां पूरे वर्ल्ड को लोन देने वाली IMF ने भी इन्हें लोन देने से मना कर दिया, तब मार्क रिच केम टू देयर रेस्क्यू. द क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि मार्क रिच रिस्क तो लेते थे पर बिना रिवॉर्ड्स के नहीं. इफ द रिस्क वर हाई देन सो वर द रिवॉर्ड्स. और इस स्टोरी के पार्ट 1 को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा दैट रिच ऑलवेज न्यू व्हाट ही वाज गेटिंग इनटू. कुछ उसी तरह इस बार भी रिच ने इस पुअर और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंट्री में एक ऐसे हिडन ट्रेजर को देखा जो कोई सोच भी नहीं सकता था. द हिडन ट्रेजर वॉज एल्यूमिनियम. Ever since World War II, aluminium as a metal had started gaining traction. Aluminium को military equipment में use किया जाने लगा था और war खत्म होने के बाद it became an even hotter metal. ये एक ऐसा metal था जो copper से cheap था, steel से light था, लेकिन फिर भी बहुत tough था. This made aluminium highly versatile. और war के बाद इस metal को almost हर consumer good में use किया जाने लगा, जैसे cars, household appliances, electronics, प्लेन्स, किचन फॉइल एटसेट्रा. जैसे जैसे वर्ल्ड रिकवर करने लगा, एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ती गई.
इनफैक्ट 1945 में सिर्फ 1 मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम एनुअली प्रोड्यूस किया जाता था, बट बाय 1970 दिस नंबर वेंट अप टू 10 मिलियन टन्स। और एल्युमिनियम की यही स्पेक्टेकुलर डिमांड रेप्लिकेट हुई बॉक्साइट की डिमांड में, जो कि एल्युमिनियम का मेन ओर होता है, मतलब वो मिनरल रॉक जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। एंड दिस वेरी ओर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन जमैकास ब्लू फिंड माउंटेन्स। बेसिकली बॉक्साइट एक मिनरल ओर है जिसे पहले एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है कॉल्ड एलुमिना, और फिर इस एलुमिना को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू एल्युमिनियम मेटल। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एलुमिना इनटू एल्युमिनियम इज नोन एज स्मेल्टिंग, और इसीलिए जो कंपनीज एलुमिना को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करती हैं उन्हें स्मेल्टर्स बोला जाता है। अब जमैका के पास बॉक्साइट तो था ही, बट अलोंग विद दिस जमैका वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स ऑफ एलुमिना इन द वर्ल्ड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मार्क रिच हैड हिज आईज ऑन। ऑयल इंडस्ट्री की तरह ही फॉर डेकेड्स एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी अमेरिकन कंपनीज ही कंट्रोल करती थी, बट विद अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलाइजेशन हर कंट्री अपने अपने रिसोर्सेज को बायबैक करने लगी, इंक्लूडिंग जमैका। लेकिन जमैका के पास बॉक्साइट और उससे बनने वाला एलुमिना तो था, पर इन्हें सेल करने की एक्सपर्टीज नहीं। दिस वॉज अ ड्रीम सिनारियो फॉर ट्रेडर्स लाइक मार्क रिच, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और जमैका का ट्रेड मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। वाइल दिस वॉज अ ग्रेट वे टू मेक मनी, इट स्टिल लैक द एक्स फैक्टर जो रिच अपने हर बिजनेस ट्रेड में ढूंढते थे, हिज सीक्रेट एज। वेल दिस टाइम उन्हें ये एज मिड 1980s में मिला। एक्चुअली मिड 1980s में एल्युमिनियम इंडस्ट्री में एक डाउनटर्न आ गया था, और उसका रीजन था कॉस्ट ऑफ एनर्जी। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद से ऑयल प्राइसेस बिकेम हाईली वोलेटाइल एंड ऑफन प्राइसेस अपनी पीक पे रहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि एल्युमिनियम प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। इनफैक्ट एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने में उतनी एनर्जी लगती है जितनी एक US हाउसहोल्ड पूरे साल में यूज करता है। This meant that the aluminium industry was highly vulnerable to oil prices because a high price would translate into an expensive electricity bill for them. और कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार भी जैसे ही oil prices बढ़ने लगे, aluminium produce करने की cost भी बढ़ने लगी, plunging the entire industry into a crisis. और इस सब में Jamaica was suffering. एक साइड कॉस्ट बढ़ रही थी, दूसरी साइड एल्युमिनियम और एलुमिना दोनों की डिमांड वर्ल्ड में कम हो रही थी। This is because aluminium का main usage is in consumer goods and especially cars. लेकिन high oil prices की वजह से people stopped buying cars and this reflected in the slowing demand for aluminium in the world. The problem with this is कि in a normal situation अगर aluminium की demand world में high होती है तो Jamaica जैसे suppliers अपनी commodity को high prices पे sell कर देते, लेकिन demand ना होने की वजह से even though उनकी cost बढ़ रही थी वो फिर भी एलुमिना का प्राइस नहीं बढ़ा सकते थे। एंड सो जमैका की एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज को लॉसेस होने लगे, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ देम डिसाइडेड टू शट डाउन देयर प्लांट्स। लेकिन जैसे ही ये न्यूज जमैका के एनर्जी मिनिस्टर ह्यू घाट के पास पहुंची, तो उन्होंने इन कंपनीज को अपने प्लांट बंद करने से मना कर दिया एंड सेड दैट द गवर्नमेंट विल हेल्प देम रन द प्लांट्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जमैका का फाइनल प्रोडक्ट वॉज एलुमिना, क्योंकि वो पहले बॉक्साइट माइन करते थे और उसके बाद उसे एलुमिना में कन्वर्ट करके वर्ल्ड ओवर के स्मेल्टर्स को सेल करते थे, हु फर्दर फिनिश द प्रोसेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एलुमिना इनटू एल्युमिनियम। बट अगर कोई एलुमिना बाय ही नहीं करेगा तो प्लांट्स प्रॉफिट कैसे करेंगे? एंड माइंड यू, जमैका तो वैसे भी इतनी पुअर कंट्री थी कि उनके पास कुछ टाइम पहले ही ऑयल बाय करने के पैसे नहीं थे, देन हाउ वुड द गवर्नमेंट रन दीज प्लांट्स? Enters Mark Rich once again to the rescue of Jamaica. To save their plants from shutting down, Rich decided to buy their alumina. उन्होंने Jamaican suppliers के साथ एक contract बनाया, according to which these suppliers will sell their alumina to Mark Rich for 10 years. Not only this, Rich ने उन्हें ये भी promise किया कि वो उन्हें इन plants के लिए oil भी supply करेंगे. लेकिन इस बार Rich won't leave without the rewards. And guess what? He didn't. The catch was कि रिच ने ये 10 year contract बहुत ही cheap price में buy किया। In fact, he was buying the Jamaican alumina at 9.25% of what the market price was. A 10 year contract meant that for the next decade, रिच के पास constantly alumina का supply रहेगा। And so, रिच thought of a plan. उन्हें पता था कि market में भी alumina या aluminium किसी की भी demand नहीं है, तो अगर alumina suppliers जैसे Jamaica financially struggle कर रहे हैं,
वैसे ही वर्ल्ड ओवर के एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स भी कर रहे होंगे। एंड सो रिच स्टार्टेड ऑफरिंग स्मेल्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अ डील। द डील वाज कि रिच की कंपनी उन्हें एल्यूमिना सप्लाई करेगी एंड इन रिटर्न स्मेल्टर्स उन्हें एज अ पेमेंट एल्यूमिनियम सप्लाई करे। सो फॉर एग्जाम्पल रिच अगर उन्हें 100 टन ऑफ एल्यूमिना सप्लाई कर रहे हैं तो रिच वुड सिंपली आस्क फॉर 30 टन ऑफ एल्यूमिनियम एज अ पेमेंट और बाकी का एल्यूमिनियम ये स्मेल्टर्स डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते थे। दिस टाइप ऑफ डील जहां एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड से एक्सचेंज किया जाता है इज कॉल्ड टोलिंग। दीज डील्स फर्स्ट विद जमैका एंड देन विद द स्मेल्टर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मेड रिच द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम ट्रेडर। इन प्रैक्टिस रिच बिना किसी प्रोडक्शन प्लांट सेटअप के वर्ल्ड के सबसे बड़े एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन चुके थे। ऑल्दो डिमांड ना होने की वजह से एल्यूमिनियम मार्केट वॉज अंडरगोइंग अ डाउनटर्न, रिच न्यू कि मार्केट कभी तो रिवर्स करेगी और जिस मोमेंट के लिए रिच इतना ईगरली वेट कर रहे थे that came in 1987. By the early 1987, the world was back on track. Oil prices had stabilized. US फिर से grow करने लगा था और consumer goods की demand pick करने लगी थी। But उससे भी important development ये थी कि ब्राजील जो एल्यूमिनियम का एक मेजर सप्लायर था वॉज फेसिंग सम सिवियर पावर आउटेजेस जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। दिस मेंट कि एल्यूमिनियम की डिमांड तो बढ़ने ही वाली थी बट मोर इम्पोर्टेंटली द मेटल वुड आल्सो बी इन शॉर्ट सप्लाई एंड सो कुछ ही टाइम बाद एल्यूमिनियम प्राइसेस डिडंट जस्ट राइज बट इन फैक्ट स्काई रॉकेटेड। From their lowest point in 1985, aluminium के prices 1988 तक more than 4 times हो चुके थे। And on top of this market was Mark Rich, making millions of dollars in profits thanks to his tolling deals. इस साल रिच की कंपनी में एल्यूमिनियम बिकेम द लार्जेस्ट प्रॉफिट जनरेटिंग मेटल कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 100 मिलियन डॉलर्स टू द बॉटम लाइन। ये सब जमैका के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। मार्क रिच एंड कंपनी के लिए जमैका अगले 3 डेकेड्स तक प्रॉफिटेबल प्रूव हुआ। इनफैक्ट मिड 2000s में जब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक और पीक पे आई तो रिच जमैका को उनके एल्यूमिना के लिए मार्केट प्राइस से सिर्फ 50% ही पे कर रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैड साइंड विद देम। And it is said कि from 2004 to 2006 अगर जमैका को अपना एलुमिना रिच को प्री डिसाइडेड प्राइसेस पर सेल नहीं करना होता तो दे वुड हैव मेड एन एडिशनल 370 मिलियन डॉलर्स इन प्रॉफिट्स। While some critics say that Rich virtually hijacked Jamaica's economy, Hugh Hart, who had been through some of the toughest times during his reign, knows ki agar Rich nahi hote, toh the country would have perished a long time ago. Rich had been a fearsome trader. Unhe politics, wars, ya trade embargoes, in sabse koi farak nahi padta tha. As long as there was a money-making opportunity. In fact, as we have seen in the last part, उन्होंने अपना सबसे पहला और सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड इजराइल के थ्रू किया जब पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल को बॉयकॉट कर रहा था। दिस वाज मार्क रिच एंड हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज हिज रिस्क टेकिंग एपेटाइट, लेकिन यही स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बनी एंड अल्टीमेटली लेड टू हिज अनडूइंग। इन वन ऑफ हिज ट्रेड्स विद द ईरानियन ऑयल रिच वाज कॉट बाय द यूएस प्रोसिक्यूटर्स। एक्चुअली उस टाइम ईरान ने यूएस के कुछ ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया था एंड हैड केप्ट देम एज हॉस्टेजेस फॉर मोर देन अ ईयर। इस किडनैपिंग के रिस्पांस में यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान पे एक ट्रेड एम्बार्गो इम्पोज कर दिया था एंड हैड बैन्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेड विद ईरान। आई हैव डिसाइडेड टू आस्क फॉर एन अर्ली मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू इम्पोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस अपॉन ईरान। बट लाइक वी हैव डिस्कस्ड एट द कोर ऑफ हिज बिजनेस स्ट्रेटजीज वर रिस्क्स एंड सीक्रेसी, लेकिन इस बार ही कुडंट सेव हिमसेल्फ। फ्रॉम द डे रिच वाज कॉट डीलिंग विद ईरान हिज लाइफ चेंज्ड एंड दिस टाइम फॉर द वर्स। अगले 20 इयर्स तक रिच एक लीगल बैटल फाइट करते रहे एंड ही बिकेम अ पोस्टर बॉय फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इविल ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके नाम के साथ क्राइम्स जैसे टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड ये सब लगा दिए गए और अगर इन सारी एक्विजिशंस का जेल टाइम कैलकुलेट किया जाता तो इट वॉज गोइंग टू बी अराउंड 300 इयर्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोर्ट केस ही पेड अ फाइन ऑफ अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स, लेकिन फाइन पे करने के बाद ही फ्लेड द कंट्री एंड लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन स्विट्जरलैंड। एट दैट टाइम एफबीआई इंक्लूडेड मार्क रिच इन इट्स 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट। 2001 में बिल क्लिंटन ने रिच के क्राइम्स को पार्डन किया एंड रिच वाज फाइनली फ्री फ्रॉम ऑल एक्विजिशंस, लेकिन डिस्पाइट दैट रिच नेवर रिटर्न टू द अमेरिकन सॉइल। इन 2013 एट द एज ऑफ 78 रिच डाइड इन स्विट्जरलैंड। वैसे तो ही डाइड अ फ्री मैन, लेकिन इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड ही डाइड अ क्रिमिनल। It is said that to succeed, one needs to risk it all. Lekin it seems that Rich went a bit too far with his risk. So much so that it became a cancer. A cancer that took his life.
That's it for today. For this episode, we refer to the book The World for Sale by Javier Blas and Jack Farshi. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.